क्वेश्चन से इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग सेम मास सेम रेडियस रिस्पेक्टिव एक्सिस. तो सॉल्यूशन में एक तो हमारे पास है डिस्क, ये ले ली हमने डिस्क है ना, और ये ले ली हमने रिंग, ये हो गई रिंग, मास एम रेडियस आर, ये हो गई डिस्क, मास एम रेडियस आर, ठीक है. अच्छा, ये इनकी रेस्पेक्टिव एक्सिस मतलब ये सेंटर वाली एक्सिस से. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू. इसको किसके बराबर कर दो? एम के स्क्वायर. जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ना उस एक्सिस के अबाउट उसको इक्वेट कर दो एम के स्क्वायर के, तो उसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा. तो हमारा अभी ओ एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा. एम एम कैंसिल, तो ये के कितना आ जाएगा? आर बाय रूट टू. ये डिस्क का है. दूसरे में रिंग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको किसके बराबर करेंगे? अगेन एम के स्क्वायर के, जैसे वहाँ करा था. एम एम कैंसिल, तो के बराबर क्या आ जाएगा? आर. ये रिंग का है. तो हमसे रेशियो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, तो के डी अपॉन के आर. के डी है आर बाय रूट टू और के आर है आर, ये आर आर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/√2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. थैंक यू.